So in the last class, we have seen about the definitions and the basic properties of complex number. Now we are going further. Next is the division of complex two complex numbers. So two complex number a plus ib and c plus id, we have a plus ib divided by c plus id. जब इस तरह का फॉर्म दिया हुआ रहे तब हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रैशनलाइज करते हैं, दैट इज डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. सो ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाई सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी का जो ऑपोजिट साइन है दैट इज सी माइनस आई डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. सो ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी डिवाइडेड बाई सी माइनस आई डी. सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा ऊपर का टर्म, जो मल्टीप्लीकेशन जो हम लोगों ने देखा था, ए इंटू सी ए इंटू आई डी बी इंटू सी एंड बी इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस आई स्क्वायर बी डी डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला हो गया हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका हमारा एलजेब्रिक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस आई डी स्क्वायर. देयरफॉर वी हैव ए सी माइनस, इस दोनों में हमारा आई कॉमन, सो ये हो जाएगा आई टाइम्स ए डी माइनस बी सी. आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन, आई के पावर्स को हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में. सो आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, पहले से यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर आई स्क्वायर. आई स्क्वायर का अगेन वैल्यू जो होता है हमारा माइनस वन, सो ये हो जाएगा ए सी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर देंगे तो ए सी प्लस बी डी, ये दोनों टर्म एक साथ, सो ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ नेक्स्ट इज डिविजन बाई एलजेब्रा इफ इट इज गिवन इन द पोलर फॉर्म. सो लेट जेड वन इज इक्वल टू आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन एंड जेड टू इज इक्वल टू आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू. सो जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू इज इक्वल टू आर वन कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन डिवाइड बाई आर टू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू. अगेन इन द सेम प्रोसेस, दैट इज बाई नेगेटिव साइन, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हम लोग यहाँ पर रैशनलाइज करेंगे. सो कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन इज मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू. सो इट विल बी आर वन, ये मल्टीप्लाई होकर ये हमारा हो जाएगा, जैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू एंड देन आई का सम आई के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हमारा एक एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आएगा, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन साइन थीटा टू प्लस आई टाइम्स साइन थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा टू कॉस थीटा वन. ये जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू, और ये होता है हमारा जो यहाँ पे आई के सम में है, ये हो गया साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू. नीचे में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जब हम लोग कर रहे हैं तो ये हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू होता है वन. सो हमारा वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे आर वन डिवाइडेड बाई आर टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन माइनस थीटा टू. नाउ नेक्स्ट इज मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. सो लेट एक्स प्लस आई वाई इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर where x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. So r is equal to root over x square plus y square. So cos theta is equal to हो जाएगा यहाँ पे x divided by r. So x divided by r का वैल्यू हमारा हो जाएगा root over x square plus y square, यहाँ पे हम लोगों ने सब्सिट्यूट कर दिया. And then sin theta is equal to y by r, y divided by root over x square plus y square. So अगर इसको हम लोग आर्गन प्लेन में अगर शो करें तो P इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज x प्लस आई वाई. सो ये वैल्यू हमारा हो गया y, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमारा हो गया x, और ये जो वैल्यू है हमारा P से लेके O तक का डिस्टेंस दैट इज R.
So the positive value of root being taken here, only positive value of root has been taken. So r is the modulus or absolute value of complex number x plus iy. So it is the definition of modulus of a complex or absolute value of complex number. Now it is denoted by mod of z, which is equal to modulus, which is equal to mod of x plus iy, or which is can be written as root over x square plus y square. Ye humko yaad rakhna hoga ki modulus jo hai kisi bhi complex number ka wo hota hai real part ka square plus imaginary part ka square ka square root. The angle theta, ये जो angle theta जो हमारा यहाँ पर बन रहा है r जो है x axis के साथ बना रहा है, that is modulus real part of value के साथ complex number के साथ जो बना रहा है, then theta is called the argument or amplitude of the complex number xy, x plus iy, and it is denoted by argument of x plus iy. So z is equal to x plus iy, so argument of z is equal to arg of z, short form में इसको arg z या arg of z भी लिखते हैं. So it is clear that theta will have the infinite number of values differing from multiple of 2 pi. मतलब अगर हम इसको तीनों x चारों एक्सिस में इसको अगर मूव कर दें तो ये इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे. द वैल्यूज ऑफ थीटा लाइंग इन द रेंज ऑफ माइनस पाई टू प्लस पाई, एंड इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट. इसका हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं. द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा इज रिटन आइदर बिटवीन जीरो टू पाई और बिटवीन जीरो टू माइनस पाई. जीरो से पाई के बीच में लिखेंगे या फिर माइनस पाई से जीरो के बीच में लिखेंगे. The complex number x plus iy is generally denoted by single letter z, and the number x plus iy's conjugate is denoted by z bar. इसके conjugate को जो हम लोग लिखते हैं x plus iy से, उसको हम लोग z bar से denote करते हैं. अब आते हैं हम लोग argument of a complex number. So z is equal to x plus iy, then arg of z is equal to tan inverse y by x. ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे theta को denote कर रहे हैं, so हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू होता है r cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू होता है हमारा r sin थीटा. इफ वी डिवाइड y डिवाइडेड बाय x, दैट इज y बाय x, y को अगर हम लोग x से डिवाइड करें, सो वी गेट r r कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा. और आर्गुमेंट जो है हम लोग थीटा फाइंड करते हैं, सो थीटा इज इक्वल टू tan inverse y by x. So argument is tan inverse y by x if x is greater than 0, first condition. Argument is tan inverse y by x plus pi if x is less than 0 and y is greater than equal to 0. And argument is tan inverse y by x minus pi if x is less than 0 and y is also less than 0. सो कुछ हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर लें आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के रिस्पेक्ट में. सो इट इज़ गिवन, फाइंड द मॉडुलस एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर. तो पहले तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लेके आएंगे. सो डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लें, a माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज -1 -1 -2i. So it will be equal to 1 plus 2i and 1 plus 2i. 1 plus 2i, 1 plus 2i cancel हो जाएंगे, यहाँ पे 1 है. 1 को रिटर्न से लिख सकते हैं हम लोग 1 plus 0 into i. So argument इसका हो जाएगा real part का square plus imaginary part के साथ जो multiply का square. So 1 square plus 0 square. So which is equal to 1. Principal argument. Principal argument में x का भी value 0 से बड़ा है एंड वाई का वैल्यू जीरो के बराबर है, तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट का जो फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स. सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, तो जीरो बाई वन, दैट इज टेन इनवर्स जीरो, दैट इज जीरो डिग्री. सो मॉडुलस हो गया वन एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया जीरो डिग्री. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 cos α प्लस आई साइन अल्फा. सो फर्स्ट इसके हम लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे. सो लेट 1 cos α एंड 1 i sin α इज इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा. इक्वेटिंग रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट में 1 cos α इज इक्वल टू r cos थीटा एंड sin α इज इक्वल टू r sin थीटा. स्क्वायरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को हम लोग जब स्क्वायर करेंगे
So we get r square cos square theta plus sin square theta. इधर हमारा right hand side में 1 plus cos alpha square plus sin alpha square. So cos square theta plus sin square theta ये हो जाएगा 1. So r square is equal to 1 plus a plus b का square, that is 1 plus cos square alpha plus 2 cos alpha plus sin square alpha. Cos square alpha और sin square alpha is equal to 1 हो जाएगा. इसके जगह पे हम लोग 1 लिख देंगे. तो 1 plus 2 cos alpha plus 1. 1 plus 1 हो जाएगा 2. So taking 2 as a common, 2 times 1 plus cos alpha. Now next 1 plus cos alpha का value हमारा होता है trigonometry के इसमें 2 cos square alpha divided by 2 minus 1. So minus 1 plus 1 cancel. 2 into 2 हो गया 4 cos square alpha by 2. So r square is equal to 4 cos square alpha by 2. Therefore r is equal to 2 cos alpha by 2. Now from equation 1 हमारा था. देख लें हम लोग फिर यहाँ से. इक्वेशन वन था 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू आर साइन थीटा. तो इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा डिवाइड बाय आर. सो 1 प्लस कॉस अल्फा को फिर हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाय 2 माइनस 1 और नीचे में आर के जगह पे 2 कॉस अल्फा. यहाँ से प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल एंड देन 2 से 2 कैंसिल एंड नेक्स्ट में कॉस स्क्वायर अल्फा से 1 कैंसिल. सो ये कैंसिल. सो ये बचेगा कॉस अल्फा बाय 2 कॉस थीटा का वैल्यू. इस तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइड बाय आर. साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डिवाइड बाय 2 कॉस अल्फा. साइन अल्फा को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2. कॉस अल्फा कैंसिल 2 कैंसिल. सो साइन अल्फा बाय 2. सो आर्गुमेंट हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स y बाय x होता है. सो y की जगह पे साइन अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा. सो टेन इनवर्स ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 और 1 प्लस कॉस अल्फा की जगह पे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1. सो ये दोनों कैंसिल. फिर नेक्स्ट टाइम में फिर ये 2 कैंसिल और कॉस अल्फा से ये कॉस 1 कैंसिल. सो साइन बाय कॉस दैट इज इक्वल टू टेन अल्फा बाय 2. सो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स रेशियो के फॉर्मूला से टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है. सो थीटा का जगह पर यहाँ पे है अल्फा बाई टू. सो अल्फा बाई टू एंड जनरल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जो होता है वो होता है 2 पाई के प्लस अल्फा बाई टू. सो थीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई टू सेटिस्फाइड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2. नाउ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हम लोगों ने देखा कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी then z bar is equal to its complex conjugate which is denoted by a minus ib. तो इसके कुछ properties हैं जिसको हम लोग summarize कर रहे हैं यहाँ पे. ये proof भी किया जा सकता है लेकिन जैसे हम लोगों को properties को यहाँ पे ध्यान में रखना है क्योंकि हम लोग complex analysis पढ़ने जा रहे हैं. तो complex numbers के कुछ properties हम लोग को ये याद रखना है क्योंकि ये class 11th के syllabus में include है. वहाँ पे इसका detail solution है. हमको solution नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है. सो वन प्रॉपर्टी नंबर 1 जेड बार टू द बार. बार का बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा जेड. जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 2 रियल पार्ट ऑफ जेड. जेड माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. इफ जेड इज इक्वल टू जेड बार देन जेड इज ए प्योरली रियल नंबर. जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 देन जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर. z into z bar is equal to real part of z ka square plus imaginary part z ka square. z plus z2 bar is equal to z1 bar plus z2 bar. z1 minus z2 bar is equal to z1 bar minus z2 bar. And z1 into z2 bar is equal to z1 bar into z2 bar. And z1 divided by z2 bar is equal to z1 bar divided by z2 bar if z2 is not equal to 0. Next, number 11, if z is equal to a1, a2, a3, b1, b2, b3 and c1, c2, c3, agar ye determinant ke form mein ho, then z bar is equal to a1 bar, a2 bar, a3 bar, b1 bar, b2 bar, b3 bar, c1 bar, c2 bar, c3 bar ka determinant form. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे समराइज कर लें. सो इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी देन मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देन प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस आर इफ मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो देन जेड इज इक्वल टू जीरो. इफ मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू
z bar का mod, then minus of z is also equal to minus of z bar. That means सभी के जो modulus के value होंगे वो irrespective उसके negative sign, उसका modulus जो है वो same रहेगा. Minus of z mod is less than equal to real part of z and which is less than equal to mod of z. Again, minus of z mod is less than equal to imaginary part of z less than equal to mod of z. Z into z bar is equal to mod of z bar. ये बहुत ही important result है जिसको हम लोग आगे बहुत use करते हैं. Next, z into z bar mod is equal to z1 mod into z2 mod. Z1 bar divided by z2 bar, z1 mod divided by z2 mod is equal to z1 divided by z2 mod if z1 is not equal to 0. Next, z1 plus z2 square is equal to z1 square plus mod of z1 square plus mod of z2 square plus z1 bar z2 plus z1 z2 bar. So z1 mod square plus z2 mod square plus 2 real part of z1 into z2 bar. ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं, इसलिए सब के रिजल्ट को डायरेक्टली हम लोगों को याद करना होगा ताकि डायरेक्टली हम लोग इसको यूज कर सकें. देन नेक्स्ट, z1 माइनस z2 का स्क्वायर, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस z1 बार z2 बार माइनस z1 z2 बार. सो इट इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 mod square plus 2 real part of z1 z2 bar. And the last, z1 plus z2 ka square mod of mod ka square plus z1 minus z2 ke mod ka square is equal to 2 times z1 square mod of z1 square plus mod of z2 square. Property number 11 is z1 minus z2 mod is less than equal to z1 mod plus z2 mod. Z1 minus z2 mod ka mod is equal to less than equal to z1 plus z2 mod, and z1 minus z2 mod is greater than equal to z1 minus z2 mod and then whole mod. Now polar form mein bhi dekh lein iske properties kuch. Polar form mein hum log jante hain z is equal to r cos theta plus I sin theta, so where r is equal to mod of z and theta is equal to argument of z, which has the general solution z is equal to r cos 2k pi theta plus I sin 2k pi theta. So Euler's formula hamara iska ho jayega e to the power I theta. Ye hum log de Morgan's theorem mein dekh chuke hain, e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta hota hai. So then argument of z bar is equal to minus of argument z. Argument of z1 into z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2. इसे आपको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, डायरेक्टली हम लोग रिजल्ट यहाँ पे समराइज कर रहे हैं. Argument of z1 z2 bar is equal to argument of z1 minus argument of z2. Argument of z1 divided by z2 is equal to argument of z1 minus argument of z2. Z1 plus z2 mod is equal to z1 minus z2 mod. With then z1 argument of z1 minus argument of z2 is equal to pi by 2, and then z1 plus z2 mod is equal to mod of z1 plus mod of z2, then argument of z1 is equal to argument of z2. And if z1 is equal to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1, z2 is equal to r2 cos theta 2 plus I sin theta 2, then r1 is equal to mod of z1, r2 is equal to mod of z2, theta 1 is equal to argument of z1, theta 2 is equal to argument of z2, then ये equation हमारा solve हो जाएगा. z1 plus z2 का square is equal to a plus b का square, तो इसको इस form में लिख सकते हैं. और फिर हम इसके जगह पे directly result को put कर देंगे जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे और यहाँ पे find किया. So it is r1 square plus r2 square plus 2r1 r2 cos theta 1 minus theta 2. Similarly for z1 minus z2 का square is equal to z1 square plus mod a minus b ka square. So putting the values here, r1 square plus r2 square minus 2 r1 r2 cos theta 1 minus theta 2. तो ये हमारा argument, ये class को हम लोग मान सकते हैं कि ये argument और बाकी जो भी properties है complex number के उससे related है. कुछ problems इसके बाद हम लोग देखेंगे hyperbolic functions क्या होते हैं, complex number में hyperbolic functions को कैसे हम लोग define कर सकते हैं, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे.